बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 503 का क्विज़ नंबर 3। तो इसका मेरे पास दो तीन स्टूडेंट के क्विज़ हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट सलूशन है। अब अगर ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करते हैं तो आप इंशाल्लाह क्विज़ में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंजेंट्स अलाउज द यूज़र टू सेलेक्ट मोर दैन टू अलाइन कॉर्पोरा? स्केच इंजन, बायलिंगुअल इंजन, ड्यूअल इंजन, सर्च इंजन। तो हैंडआउट्स के मुताबिक इसका आंसर करेक्ट है स्केच इंजन। नेक्स्ट है जी हमारे पास, टू मोस्ट राइटर्स एग्रीज दैट द बेस्ट वे टू राइट वेल एंड क्रिएटिवली इज टू राइट फॉर नेचर, यूर सेल्फ, सोसाइटी, अदर्स। तो यूर सेल्फ इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द सेकंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग? क्रिएटिव राइटिंग में सेकंड प्रोसेस कौन सा होता है? फर्स्ट होता है हमारे पास प्रिपेयरिंग, और सेकंड जो प्रोसेस है वो होता है प्लानिंग। डी आंसर इज करेक्ट। ओवर द पास्ट डैश डिकेड्स कॉर्पोरस एविडेंस हैज नॉट ओनली बीन यूज इन लिंग्विस्टिक रिसर्च बट ऑल्सो इन टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। 2, 4, 5, 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने कॉर्पस और कॉर्पोरा की डिफिनेशन दी हुई है। अब ये हमने बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये करेक्ट है। विच डिक्शनरी डिफाइंस फिक्शन एज लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज स्पेशली नॉवल्स दैट डिस्क्राइब्स? तो ये किसकी डिक्शनरी में लिटरेचर को इस तरह डिफाइन किया गया है? तो ये मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी में। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द एक्रोनिम ICE स्टैंड फॉर? ICE स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ इंग्लिश। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे दो एमसीक्यूज बिल्कुल सेम लग रहे हैं। आंसर इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ इमर्जिंग लैंग्वेज, इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ इंग्लिश। तो इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ इंग्लिश इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉर्पस कंटेन टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स? अब पीरियड्स का जब जिक्र आ जाए तो वो डायक्रॉनिक कॉर्पस होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डायक्रॉनिक। द सेकेंड लास्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज? क्रिएटिव राइटिंग में सेकेंड प्रोसेस कौन सा होता है? लास्ट होता है ना ऑन टाइटल, तो सेकेंड लास्ट होता है बैक थ्रोज एंड फिनिश लाइन्स। डी इज अ करेक्ट आंसर। इन द राइटिंग प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में ओवरलैप विद द डैश स्टेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग? क्रिएटिव राइटिंग में सेकेंड प्रोसेस कौन सा होता है? ये फिर रिपीट हुआ है, प्लानिंग। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द सेकेंड लास्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज डैश बैक थ्रोज एंड फिनिश लाइन्स। विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉर्पस कंटेन टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स? तो पीरियड का जिक्र आ गया तो वो डायक्रॉनिक कॉर्पस होगा। डी। विच डिक्शनरी डिफाइंस फंक्शन एज अ लिटरेचर इन द टर्म्स ऑफ प्रोज स्पेशली नॉवल्स? तो ये मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी में ऐसे लिटरेचर को डिफाइन किया गया था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इन द फॉलोइंग अ कॉर्पस इज अ बॉडी ऑफ डेटा एंड लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्ट कॉल देयर बिग डेटा सेट्स कॉर्पोरा? तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट डिफिनेशन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन द राइटिंग प्रोसेसेस प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में ओवरलैप विद द डैश स्टेज? इंक्यूबेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट, सेकंड लास्ट है जो हमारे पास, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंजन अलाउज द यूजर्स टू सेलेक्ट मोर देन टू अलाइन कॉर्पोरा? तो वो होता है स्केच इंजन। लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, ओवर द पास्ट डैश डिकेड्स कॉर्पस एविडेंस हैज़ नॉट ओनली बीन यूज्ड इन लिंग्विस्टिक्स? तो वो ओवर टू डिकेड्स इसका सही आंसर है।